गुड मॉर्निंग गाइज, वेलकम बैक टू माई चैनल। आई होप आप लोग बढ़िया होंगे, बढ़िया रहना। भाई नए ब्लॉग की शुरुआत हो चुकी है। दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे होते हुए क्या क्या कंस्ट्रक्शन हुआ है, कहाँ तक कंप्लीट हुआ है, सब कुछ दिखाऊंगा पूरा। तो इस ब्लॉग को भाई एंड तक देखना, तभी सब कुछ समझ में आएगा कहाँ से कौन सा कट गया है, कहाँ से कनेक्टिविटी, सारी चीज़ें बताऊँगा। तो बने रहना लास्ट तक भाई। और पीछे बस ये मैं जीरो पॉइंट पर ही खड़ा हूँ जहाँ से इसकी स्टार्टिंग होगी, ठीक है। और अगर मैं सामने एक बार फिर से दिखाऊँ, ये रहा आपका दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे, ठीक है। ये इधर सराय काले खां से आ रहा है, ये रहा आपका अक्षरधाम मंदिर, ये रहा नोएडा लिंक रोड जो कि सीधा निकल जाएगा यमुना एक्सप्रेसवे पे, और फिर हम जहाँ खड़े हैं ये रोड है, ऐसे जाके सीधा ये कनेक्ट होता भैया दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे, सीधा ये दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे है। और इस पर भी ऑलमोस्ट काम हो चुका है। तो चलो यार, देर न करते हुए फटाफट से चलते आगे की तरफ, गाड़ी निकालते हैं और उसके बाद आप लोग से मिलते हैं सीधा गाड़ी के अंदर। तो भाई अभी हम लोग यहाँ से निकल चुके हैं, ये आपका अक्षरधाम से, और ये जो लेफ्ट में आप कंस्ट्रक्शन देख रहे हो फ्लाईओवर का, ये उसी का पार्ट है। यहाँ पे देखो मस्त रोड को चौड़ा कर दिया गया है, और अभी यहाँ पे बसेज वगैरह रुकते हैं। आने वाले टाइम में यहाँ बस वगैरह नहीं रुकेंगी। बस कौन सी रुकती है भाई, ये जो अपना यूपी से आती है ना, रात के टाइम चलती है, वहाँ सुबह यहाँ आ जाती है दिल्ली, स्लीपर बसें वगैरह प्राइवेट। तो बाकी ये देखो लेफ्ट में पूरा कंस्ट्रक्शन यहाँ पे डन हो चुका है, फ्लाईओवर ऑलमोस्ट कंप्लीट है, और बस इसी को, इसको भी इसलिए बनाया गया भाई, थोड़ा सा रोड तो चौड़ा करना पड़ेगा ना, ट्रैफिक यहाँ बढ़ेगा, तो इसके लिए यहाँ पे रोड थोड़ा सा चौड़ा किया जा रहा है। बाकी चलते चलते आगे बात करते रहते हैं गाइज डिटेल में पूरी। तो गाइज यहाँ पे आप राइट साइड में देख सकते हो करकरी मोड़ और प्रीति विहार के लिए रास्ता जहाँ लेफ्ट में जाता है, वहीं राइट में एक सटे फ्लाईओवर का निर्माण किया जा रहा है जो कि डन हो चुका है, बस कनेक्ट करना है इसको, थोड़ा बहुत इधर का पार्ट पेंडिंग है। आने वाला रास्ता फ्लाईओवर का चालू कर दिया गया है, और बीच में आप अगर देखोगे तो नॉइज बैरियर कहते ना वो इसको, या साउंड बैरियर, मतलब नॉइज बैरियर, इससे नॉइज कैंसिल मतलब ज्यादा नहीं होता रोड पे। और बाकी उसको इसलिए भी लगाया जाता है ताकि लाइट्स का रिफ्लेक्शन वगैरह ना आए। जहाँ पे पेड़ वगैरह लगाने की जगह नहीं है गाइस, तो एक नया टेक्निक है। बाकी हम अभी फ्लाईओवर के जस्ट बगल में चल रहे हैं, राइट साइड में है अपने दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे। बस सो गाइस, यहाँ पे बनने वाला है शायद टोल, नहीं टोल नहीं, बस यहाँ पे देखो एक और फ्लाईओवर बन रहा है सामने। और उस दिन जब लास्ट ब्लॉग मैं बना रहा था तो भाई यहाँ पे काफी काम चल रहा था, देख रहे हो डन हो चुका भाई, रोड बना दिया यहाँ पे, गजब। और बात करें गाइस तो दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे आपका होने वाला है टोटल 210 किलोमीटर का। पहले ऑलमोस्ट अगर आप इस रोड से जाते थे तो दिल्ली देहरादून आपका 240 से 250 किलोमीटर पड़ जाता था, जो कि अब सिर्फ 210 किलोमीटर हो गया, वो भी एक्सप्रेसवे, तो जिसपे आपको टाइम लगने वाला सिर्फ 2 से 2.5 घंटे, इससे ज्यादा नहीं लगेगा, 2 से 2.5 घंटा बस, इतने में आप पहुंच जाओगे देहरादून। बाकी इस रोड के बनने के बाद गाइस आप हरिद्वार भी काफी कम समय में ट्रेवल कर सकते हो, आगे उस पर बात करेंगे कि कैसे। बाकी ये देखो अभी हम जहाँ पे चल रहे हैं सर्विस लेन है, और इसके जस्ट राइट में एक जो फ्लाईओवर दिख रहा है मस्त सा बड़ा सा भाई, 6 लेन का फ्लाईओवर है, और ये है आपका दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे। तो आप इसपे देख सकते हो कि साइड में इसके नॉइज बैरियर वगैरह लगा दिए गए हैं बिल्कुल, आप कॉर्नर पे अगर देखो फ्लाईओवर के, और नीचे ये देखो सर्विस लेन को भी चौड़ा किया जा रहा है। तो ये मत सोचना भाई नीचे की लेन जो है पतली हो जाएगी, इस पे ट्रैफिक मिलेगा, नहीं ऐसा कुछ भी नहीं, इस पे प्रॉपर देख रहे हो लेन भी डिवाइड किया जा रहा है, ठीक है। तो 3 लेन इधर 3 लेन उधर, 6 लेन तो आपको सर्विस लेन मिलने वाली, और 6 लेन का आपका होने वाला है ये दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे। तो कहीं कहीं 12 लेन है, कहीं कहीं 6 लेन है, अब ये डिपेंड करता है कि वहां स्पेस कितना है, ठीक है। अब आगे ये रास्ता सीधा निकलता है सीलमपुर, और सीलमपुर होते हुए अभी हम आ गए हैं ये गांधीनगर वाला मार्केट एरिया। काफी बहुत ज्यादा यहाँ पे भीड़ होती है गाइस, अभी तो खैर सुबह का टाइम है, जैसा कि लास्ट पहले व्लॉग में आपने देखा होगा मेरे। यहाँ पे देखो ये फ्लाईओवर राइट को टर्न ले रहा है, और हम राइट में इसके साथ तो नहीं जा सकते, तो थोड़ा सा हमें आगे से कट लेके आना पड़ेगा, और फिर हम सीधा मिलेंगे एक हाईवे पे जहाँ पे ये हमें सामने से फिर से मिलेगा। तो अभी हम थोड़ा सा अंदर जाएंगे और फिर वहां से यू टर्न लेंगे। देखो ये राइट में निकल गया है यहाँ से ऊपर ऊपर, पहले हम जाते थे नीचे नीचे यहाँ से, और दिन में भाई यहाँ पे इतनी भीड़ होती है कि आप गाड़ी क्या चलाओगे, पैदल चलना मुश्किल हो जाए यहाँ, आधा टाइम तो यही खा जाता है, आधा टाइम यही खा जाएगा। बाकी अब राइट में हो गया हमारे एक्सप्रेसवे, तो हम इसके साथ में आते हैं थोड़ी दूर घूम के। तो गाइस ये देखो फिर से ये सामने रोड को क्रॉस करता हुआ, जैसा कि आप लास्ट ब्लॉग में देखे हो,
तो मैं एक काम करता हूँ गाइस, यहाँ पे जैसे ये खजूरी खास और बागपत वाला एरिया ना, थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड करके और बीच में थोड़ा डिटेल बताते हुए दिखा देता हूँ, क्योंकि ये आपने लास्ट व्लॉग में ऑलरेडी देख रखा है। तो यहाँ से हम राइट टर्न ले लेंगे गाइस, ये रहा पूरा आपका गांधीनगर मार्केट, लेफ्ट और राइट ये सब मिला जुला के, और यहाँ से हम राइट टर्न ले लेंगे। ठीक है, अब ये हमारे साथ साथ थोड़ी दूर तक चलेगा आई थिंक। ये देखो ऊपर से आया ना क्रॉस करते हुए, ठीक है, स्कूल के बच्चों को बिठा के स्पीड में भगा रहा मस्त। ये बहुत फसड़ है दिना उना में, एकदम हालत टाइट हो जाए। यहाँ कहीं से कनेक्टिविटी भी मिल रही है शायद कश्मीरी गेट से, उस साइड वाला होगा है ना, ऊपर से लाके कनेक्ट किया जा रहा है। तो बाकी गाइस अभी हम लोग आ चुके हैं मस्त दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे के नीचे, और यहाँ पे भी देख सकते हो आप सर्विस लेन वगैरह कंप्लीट है, ऑलमोस्ट दो लेन तो कंप्लीट है, एक लेन और इनको बनाना इस साइड, तीन उधर बनेगा, तीन इधर। ऊपर का पार्ट भी देखो ऑलमोस्ट कम्प्लीट दिख रहा है, क्योंकि जब मैं पहले ब्लॉग में आया था तो यहाँ पे काफी सारा काम चल रहा था जो कि अभी नहीं चल रहा, तो आप मान सकते हो कि बहुत जल्द। और ऐसा माना जा रहा है गाइस कि दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे इसी साल दिसंबर नवंबर दिसंबर के एंड में चालू हो जाएगा। बाकी अब हम इसके नीचे चल रहे हैं और सर्विस लेन भी बहुत ही खूब बना है, कोई दिक्कत नहीं। अभी हम लोग बढ़ चुके हैं बागपत की तरफ, खजूरी खास वाला जो फ्लाईओवर वगैरह था वो हम लोग क्रॉस कर चुके हैं, और यहाँ पे अभी नीचे सर्विस लेन कई जगह जो अभी काम चल रहा है ये देख सकते हो आप, और ऊपर हमारे है ये भाई दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे। और बात करें गाइस तो दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे तीन पैकेज या तीन फेज में बन रहा है, तीन पैकेज कह लो ज्यादा सही होगा। एक तो बन रहा है आपका अक्षरधाम से बागपत ईपीई तक, ठीक है, मतलब ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे, फिर वहां से कनेक्ट करेगा सीधा आपका सहारनपुर, और फिर सहारनपुर से आपका देहरादून। तो ये पूरा तीन पैकेज होने वाला है, जो कि बागपत तक का आपका 31.2 किलोमीटर या 3 किलोमीटर कहते हैं 32 किलोमीटर मान लो, बाकी सहारनपुर से बागपत से सहारनपुर 118 किलोमीटर, जो कि फिलहाल अभी अगर आप जाओगे तो ये पड़ेगा कोई 129-130 किलोमीटर, और उसके आगे का पार्ट होने वाला आपका 18-20 किलोमीटर का जो भी हो, ठीक है, तो कुल टोटल 210 किलोमीटर है भाई। बाकी यहाँ पे देख लो गाइस फ्लाईओवर के बाद रोड ये राइट साइड में काफी हद तक बन चुका है, उस दिन यहाँ पे काफी काम चल रहा था, मैंने देखा जब आप हम आए थे तो वहाँ उस दिन इस साइड में मिट्टी वगैरह पड़ी थी, आज इसको काफी हद तक दबा दिया गया है और इस पे अब लेन बनने का काम चालू हो जाएगा। उधर देखो उस साइड में शायद कुछ हो भी रहा, बन भी रहा है, तो चलते हैं, चलते चलते बात करते रहते हैं, बाकी डिटेल आप देखते रहो। राइट साइड में ये अब हम चल रहे हैं बागपत की तरफ, ये गाइज वही पुराना वाला ही हाईवे है जो कि आपका देहरादून कनेक्ट करता था, कैसे कैसे होके जाता था ये बता दूं गाइज, तो ये दिल्ली से शुरू होके सीधा लोनी वगैरह, ठीक है, और फिर आपका शामली बागपत, मतलब बागपत शामली सहारनपुर और फिर होते हुए देहरादून जाता है। अभी हम उसी हाईवे पे हैं, अब इसी को जो इसी के साथ साथ बनाया गया है आपका दिल्ली देहरादून एक्सप्रेस वे, अभी फिलहाल तो साथ साथ में चल रहा है, आगे देखते हैं कहाँ तक। ये हम जिस पे चल रहे हैं गाइस ये है ब्राउन फील्ड, इसको तीन फील्ड में डिवाइड किया गया है, ब्राउन फील्ड, ग्रीन फील्ड, ग्रीन फील्ड। अभी हम सीधा सीधा ही चलेंगे, राइट साइड में है हमारे एक्सप्रेस वे, और अब फिर से हम आ गए गाइस एक पार्ट पे जहाँ पे हम ड्राइव करेंगे एक्सप्रेस वे पे,
तो चलो आपको एक्सप्रेसवे का ड्राइव एक्सपीरियंस भी बता देते हैं। जहां पे लिखा गया स्ट्रॉनिका सिटी लेफ्ट सहारनपुर सीधा, और हम निकलेंगे सहारनपुर की तरफ। गाइज ये रहा भाई एक्सप्रेसवे, और यहाँ पे थाना कौन सा हो, थाना लोनी। तो लोनी हम आ चुके हैं गाइज, ये थाना लोनी है ठीक है। और ये फाइनली हम लोग चढ़ चुके हैं एक्सप्रेसवे पे। अब यहाँ की कंडीशन की बात करें गाइज, तो एक्सप्रेसवे आप देख सकते हो दोनों साइड का 6 लेन ये कंप्लीट है यहाँ पे लोनी से ठीक है। और बीच में इसमें नॉइज बैरियर भी लगा दिया गया है, या आप इसको लाइट रिफ्लेक्शन रोकने के लिए भी कह सकते हो, दोनों काम करता है। क्योंकि जहां पे जगह कम होती गई वहां पे इसका काम किया लिया जा रहा है, तो काफी सही लग रहा है। अभी रिसेंट में मैंने इसको दिल्ली द्वारका गुड़गांव वाले एक्सप्रेस वे पे भी ये लगा हुआ देखा मैंने, तो काफी सही चीज है। बाकी टोल गेट दिखा रहा है 1 किलोमीटर आगे है, तो टोल यहाँ पे लोनी में मिलेगा ठीक है। जब आप लोनी से चढ़ोगे तो यहाँ पे टोल है। बाकी अभी हम इस पे ड्राइव कर रहे हैं। बात करें रोड कंडीशन की, तो भाई रोड कंडीशन एकदम चकाचक है। आपको 100 की लिमिट इसमें मिलने वाली, 100 की लिमिट में आप गाड़ी इसमें ड्राइव कर सकते हैं। और ये हम लोग आ चुके हैं टोल के पास। टोल के पास कुछ काम कंप्लीट किया जा रहा है, जिससे कि एक साइड का लेन अभी बंद है, दूसरा साइड चालू है, जहां पे हमें जाना पड़ेगा डाइवर्जन है। टोल देखो गाइस यहाँ लेफ्ट में है आने वाले के लिए, मतलब जाने वाले के लिए, और वापसी आने वाले के लिए वहां सामने पे बनाया जा रहा है। तो इस तरह से टोल बनाया गया, एक साथ पे नहीं है क्योंकि थोड़ा सा स्पेस की कमी की वजह से। देखो अब इधर वाले जो आएंगे ना देहरादून से, इधर राइट में दिया गया है। और यहाँ तक सुबह सुबह है गाइस, तो आने में टाइम कम लगा, नहीं तो उस दिन तो मुझे 1.5 से 2 घंटे लग गए थे। तो ये फायदा होगा गाइज एक्सप्रेसवे का, जो कि अब एक्सप्रेसवे बन जाएगा। मुझे लगता है लोनी तक तो अक्षरधाम से भाई अब 10 मिनट, इससे ज्यादा नहीं लगना, 10 मिनट के अंदर आप आ जाओगे। चलो बाकी चलते हैं आगे, देखते हैं क्या क्या कंस्ट्रक्शन हुआ है।